नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्टेंट एक्सपर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट लेदर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो अगर हिंदुस्तान से आप लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, उसमें डिमांड कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा इसका इंपोर्ट कर रही है, एच एस कोड क्या है, ई पी सी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, टाइप ऑफ लेदर प्रोडक्ट कौन कौन सी जो कि इंटरेस्ट मार्केट में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, इसका सोर्सिंग आप कहाँ से कर सकते हैं। अगर हमारी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो इसका आपकी सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, टॉप कंपिटेटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, इस सब क्वेश्चन का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स। देखिए, इसमें गवर्नमेंट भी चाहती है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान से जितना हो सके यहाँ से एक्सपोर्ट हो लेदर प्रोडक्ट, और यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। वी आर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द लेदर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो इसलिए उसमें सबसे पहले पायदान पे जो उनके बेनिफिट आ रहे हैं, तो यहां पे बेनिफिट हो रहा है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि ड्यूटी ड्रॉबैक नॉर्मल प्रोडक्ट में अगर देखें तो 0.15% के आसपास ही डीबी के आपको दिखाई देता है, 0.15% ऑफ द कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। लेकिन यहां पर जो डीबी के है आपको ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिल रहा है बड़ा जबरदस्त डीबी के मिल रहा है। कितना मिल रहा है डीबी के यहां पर? 3.7% ऑफ द कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। यानी जो आपका कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू है वो 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, उसका 3.7, देखिए कितना बड़ा बेनिफिट दे रही है, 3.7% ऑफ योर टोटल कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू उतना आपको डीबी के मिल जा रहा है, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर मैं आईईएस की बात करूं यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम, तो वो भी दोनों को यहां मिल रहा है, यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी और एमएसएमई को भी। तो एमएसएमई को जब आप कहीं से लोन लेते हैं तो बेसिकली उसमें गवर्नमेंट आपको कितना छूट देती है, कितना बेसिकली ब्याज दर में कितना छूट देती है, आपको इंटरेस्ट रेट में कितना बेसिकली सपोर्ट करती है, तो एमएसएमई के लिए 3% है और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए यहां पर 2% है। अगर मैं आरओडीडीपी की बात करूं, रोड टेप जो पहले एमईआई था जो कि डब्ल्यूटीओ के हिसाब से नहीं था, तो वो बेसिकली उसके प्लेस पे आरओडीपी बनाया था, रोड टेप यानी रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली आरओडीपी कितना मिल रहा है? आरओडीपी आपको यहां पे मिल रहा है 1.2% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, जो आपका एफओबी वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। तो आपके फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू का बेसिकली 1.2% मिल रहा है। अगर आपका 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, जितना भी आपका एफओबी है उसका 1.2% तो आपको बेसिकली आरओडीपी मिल रहा है, रोड टेप। तो इतने सारे बेनिफिट है, इतनी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि सबसे ज्यादा इसका इंपोर्ट कर रही, उससे पहले मैं बता दी जो हमारा बेसिकली ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन अभी इस मंथ का नवंबर मंथ का तो 12 नवंबर to 19 नवंबर शेड्यूल किया, वो चल रहा है अभी, और नेक्स्ट मंथ का दिसंबर मंथ में 11 दिसंबर to 18 दिसंबर शेड्यूल किया, जो कि इवनिंग 5 to 6 होता है। और ऑफलाइन जो दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस वन, तो बेसिकली ऑफलाइन 27, 28, 29 नवंबर में शेड्यूल किया, इसी महीने में नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल अभी आना बाकी है। तो बेसिकली इस मंथ वाले आप नवंबर ऑफलाइन को ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ अभी आप ऑनलाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में यही सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिले से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे आप बेसिकली लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज करते हैं, सोर्सिंग आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करते हैं, किस तरीके से आप बेसिकली अपना जो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है, क्या क्या बेनिफिट आपको देती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं, आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, कहीं पे आप अटकते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं, वो कौन कौन सी कंट्री जिसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करी, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो बेसिकली यूएसए कितना इंपोर्ट करा, यूएसए 1.03 बिलियन डॉलर का पर ईयर लेदर प्रोडक्ट इंपोर्ट करा है, जो कि हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। सेकंड नंबर की बात करें तो जर्मनी आता है, जर्मनी कितना इंपोर्ट करा, जर्मनी 647 मिलियन डॉलर का लेदर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है इनटू जर्मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस बेसिकली 418 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है लेदर प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अगर स्विट्जरलैंड की बात करें, जहां बहुत ज्यादा गोल्ड भी होता है, स्विट्जरलैंड की बात करूं तो स्विट्जरलैंड 309 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है लेदर प्रोडक्ट। अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली 308 मिलियन डॉलर का
का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है लेदर प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूँ एचएस कोड की तो ये बेसिकली 42 नंबर चैप्टर में आता है और 02 इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 42 यानी 420221 90। इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली टाइप ऑफ लेदर प्रोडक्ट यानी वो कौन कौन से टाइप है लेदर प्रोडक्ट के जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है लेदर क्लॉथ्स, जो कि जैसे जैकेट होगी, जैसे ये मेरा सूट देखिए इस, ये भी जैकेट का भी आता है, जो रेनकोट है वो भी जैकेट का आता है, बेसिकली के बाद सूट पैंट भी बेसिकली जैकेट के आते हैं, और बेसिकली बेल्ट आती है, लेदर बेल्ट आती है, लेदर हैट आती है, जो कैप जिसको बोलते हैं, फुटवेयर आते हैं मतलब जूते आते हैं, लेदर के शूज़ आपने सुना होगा, ग्लव्स आते हैं हाथ में पहनने वाले, ग्लोव्स आते हैं, रिस्ट वॉच जैसे एक घड़ी है, जैसे ये घड़ी है ये बेसिकली मेटालिक घड़ी है, इस पर भी बेसिकली चमड़े वाला जो लेदर वाला जो फित्ता आता है वो लेदर वाला भी बेसिकली आता है, जैसे आजकल स्मार्ट वॉच आ रही है तो उसमें प्लास्टिक भी आता है और लेदर भी आता है, तो बेसिकली रिस्ट वॉच स्ट्रैप हो गया, हैंड बैग हो गया जो कि लेडीज हैंड बैग हो गया, या जेंट्स हैंड बैग हो गया, पर्स हो गया, टॉयज हो गया, सोफे के कवर, सोफा जो होता है बैठने का सोफा जो होता है, घर में फर्नीचर जो होता है, सोफा भी बेसिकली लेदर स्क्रीन या लेदर से बना रहता है बेसिकली, कवर हो गया डिफरेंट टाइप के कवर हो गया, बेसिकली मोबाइल कवर हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूं मार्केट साइज की कितना बड़ा इसका मार्केट साइज है, तो वर्ल्ड मार्केट की बात करूं तो वर्ल्ड मार्केट इज अराउंड 407.92 बिलियन डॉलर। देखिए बिलियन में इसका मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है 407.92 बिलियन डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 407.92 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट है बेसिकली, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 743.50 बिलियन डॉलर बाई 2030, यानी अभी 2022 चल रहा है, नवंबर का महीना है, अभी के आठ साल के बाद इसका मार्केट होने जा रहा है 2030 तक बेसिकली 743.50 बिलियन डॉलर का एट ए CAGR, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये प्रोडक्ट 6.9% का दिखा रहा है, यानी वो प्रोडक्ट जिसका CAGR 5% के ऊपर होता है उस प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट अच्छी मानी जाती है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं बेसिकली EPC की यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो बेसिकली EPC इसमें CLE लग जाता है यानी काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको अलग अलग प्राइस पे मिलता है, यानी अगर आपका बजट आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 15 लाख से कम है तो 10,030 रुपये यानी 10,030 रुपीज़ आपको देना रहता है, और अगर 15 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका टर्नओवर है एनुअल वन फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, तो बेसिकली उसके 14,160 रुपीज़ आपको लग जाते हैं, अगर 1 करोड़ टू 5 करोड़ 1 CR टू 5 CR होता है तो बेसिकली 23,600 रुपीज़ आपको RCMC के लिए लगता है, और मोर देन 100 करोड़ के लिए 64,900 रुपीज़ लगता है, और कोई बोलता है कि सर मैं तो 100 करोड़ के ऊपर करता ही नहीं, तो भैया कोई ना कोई तो 100 करोड़ के ऊपर एक्सपोर्ट करता है, देखिए वो लोग भी हैं हिंदुस्तान में जो कि 5-स्टार एक्सपोर्ट होल्डर हैं, तो स्टार होल्डर का कैसा क्या रहता है क्या कंडीशन रहती है उसके लिए अलग से हमने वीडियो भी बनाया, अगर वो आपने देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, यानी 5-स्टार लेने के लिए, क्योंकि 5-स्टार सबको अच्छा लगता है ना, 5-स्टार लेने के लिए आपको 16,000 करोड़ रुपीज़ का आपको एक्सपोर्ट करना होगा विद इन 3 ईयर्स प्लस करंट ईयर। अगर मैं कंपिटिटर की बात करूँ, वो कौन कौन सी कंट्री जिसका जो इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इटली, बेसिकली इटली इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो इटली कितना एक्सपोर्ट करा, इटली 1.04 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर चाइना की बात करें, चाइना नंबर 2 पे आता है, चाइना इसका इंपोर्ट कम करता है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, तो चाइना बेसिकली कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना 949 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, और थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग हिंदुस्तान, बेसिकली इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द लेदर प्रोडक्ट, तो हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं 674 मिलियन डॉलर का। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान 588 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस इसका बेसिकली इंपोर्ट भी करता है एक्सपोर्ट भी करता है, तो फ्रांस से 500 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है लेदर प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रांस टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्री।
करें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि लेदर प्रोडक्ट का काम कर रहा है, लेदर प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेदर प्रोडक्ट में लोकल में सेल करना चाहता है, या कोई जॉब कर रहा है बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे आपको चाहिए, क्या पसंदीदा आपका टॉपिक है, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेसिकली कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, और बेसिकली हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.